कैसा लगा आपको, क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा उन्होंने चाय पीने के बाद, क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डॉली की चाय। आपके बारे में उन्होंने पूछा होगा, कैसा आपने ये शुरू? नहीं नहीं, कुछ बातचीत हुई नहीं हमारी, बस वो जस्ट मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े थे और बिल्कुल मेरा अपना काम चालू था चाय बनाने का, फिर जैसी चाय तैयार हुई बिल्कुल उनके हाथ में चाय दिया मैंने। उनको पसंद आई? जी हाँ बिल्कुल पसंद आई। ये आपका जो स्टाइल है यहाँ पे, आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? हाँ अडॉप्ट कुछ नहीं किया, बस मैंने कॉपी किया, जो साउथ की जो मूवी देखता हूँ मैं, बस वहाँ से ही सीखा हूँ मैं। आपको पता है बिल गेट्स ने आपका वीडियो भी शेयर किया? हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैंने कल ही देखा, ये कल ही देखा मैंने, जब मैं नागपुर आया अगले दिन मेरे को पता चला। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है मेरे को, मैं कहता है कि मैं नागपुर का डॉली चाय वाला सही में बना हूँ। अभी भविष्य में आपको किसको चाय पिलाएंगे? नरेंद्र मोदी जी को, और पक्का पिलाएंगे उनको चाय अगर जो हमारे पास आएंगे तो। आपको ये जानकारी थी कि आपको बिल गेट्स के पास ले जाया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ अपने वाला इवेंट करने के लिए गए थे, जो टीम ने हमको बुलाए थे बस वही काम करने के लिए गए थे, और फिर अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिला के आया भाई। इतने बड़े व्यक्ति तक पहुंचना, ये आप कैसा देखते इसे? हाँ मेरे को तो प्राउड भी फील हो रहा है, एकदम प्राउड फील हो रहा है मेरे को कि मैं सेमी उनको मिल के आया। तो भविष्य में आपकी और क्या योजना है? बस मैं अपने लाइफ में बस लोगों को चाय पिलाऊं और दिन भर स्माइल दूं और लोगों से भी स्माइल लूं, बस यही चाहता हूं कि हंसते रहो और हंसाते रहो। Z News.